हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो प्यारे साथियों, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसकी शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। बीएससी नर्सिंग का ये एक मेरे दोस्तों स्पेशल बैच विजय एजुकेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। आप सबकी विशेष मांग पर मेरे दोस्तों, मैं खुद 10 वर्षों से कंटिन्यू बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो एनाटॉमी के कुछ टॉपिक मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ और बाकी ज़्यादातर जो टॉपिक है एनाटॉमी के, वो मेरे दोस्तों विजय एजुकेशन में एम्स नॉरसेट सेलेक्टेड और जोधपुर एम्स में पोस्टेड जेडी सर करवाने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, साइकोलॉजी, इसके अलावा सोशियोलॉजी, और भी आपके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो विजय एजुकेशन ऐप में जो हमने कोर्स लॉन्च किया है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का, उसमें एम्स नॉरसेट सेलेक्टेड फैकल्टी ही पढ़ाएगी। ऐसा पहली बार हो रहा है मेरे दोस्तों कि विजय एजुकेशन में एम्स की फैकल्टी पढ़ाने के लिए आ रही है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। भले ही कोई भी विद्यार्थी हो, उसे राजस्थान का एसएमएस गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया हो, भले ही किसी बच्चे को यूपी का केजीएमयू मिल गया हो, या किसी को बिहार का एनएमसीएच पटना मिल गया हो, लेकिन बच्चों, उन संस्थान में जो फैकल्टी है उनके बराबर और उनसे भी कहीं ज्यादा नॉलेज रखने वाली, 9 बार नॉरसेट का एग्जाम क्वालीफाई करने वाली, 9 बार नॉरसेट को टक्कर देने वाली एक टीम जो एम्स के अंदर पढ़ाती है, जो एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर काम करती है, वो टीम अब विजय एजुकेशन में पढ़ा रही है। और मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको कहूँगा, अगर आप विजय एजुकेशन के स्पेशल बैच से, बीएससी नर्सिंग के बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। विजय एजुकेशन के इस स्पेशल बैच से मेरे दोस्तों आपको जरूर जुड़ना चाहिए। मैं तो बात यही करूंगा बच्चों, ये आपका बीएससी नर्सिंग का बैच है मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हो ये कंप्लीट बैच है। और अगर किसी बच्चे ने अभी तक विजय एजुकेशन से इस बैच को बाय नहीं किया है, तो आप तुरंत कर लीजिए। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फंडामेंटल, सारे सब्जेक्ट एक यूनिक वे में बच्चों, एक एम्स नॉरसेट सेलेक्टेड टीम, एम्स की फैकल्टी मेरे दोस्तों पढ़ाने वाली है, गवर्नमेंट सेलेक्टेड टीम जिन्होंने 9 बार मेरे दोस्तों क्रैक किया है नॉरसेट का एग्जाम, इस तरह की अनुभवी टीम पढ़ाने वाली है। तो मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनाटॉमी है क्या, फिजियोलॉजी है क्या। देखिए बच्चों, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के पहले सेमेस्टर में और सभी राज्यों में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सिलेबस एक जैसा ही है, भले ही आप यूपी से हो, एमपी से, बिहार से, राजस्थान से, क्योंकि आईएनसी का सिलेबस मेरे दोस्तों सभी जगह सेम होता है और बीएससी नर्सिंग का सिलेबस आईएनसी ही जारी करती है। अब प्रत्येक राज्य में बच्चों सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, ठीक है ना, 6-6 महीने से परीक्षा होगी, ठीक है ना, बिल्कुल। तो शुरू करें बच्चों, बिल्कुल करिए सर। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे एनाटॉमी की। किसकी बात करेंगे? एनाटॉमी की। एनाटॉमी क्या है, किसे कहेंगे एनाटॉमी? मेरे प्यारे साथियों, एनाटॉमी का मतलब हुआ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गन। जहां हम बॉडी ऑर्गन की स्ट्रक्चर की बात करेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है, यहां पर हम बात किसकी करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गन। जब मेरे शरीर के अंगों की मैं स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहा हूं, मैं मेरे बॉडी ऑर्गन की संरचना की स्टडी कर रहा हूं, तो मेरे दोस्तों वो एनाटॉमी है, ठीक है। जैसे अगर मेरे से पूछा कि बच्चों आप स्टोमक की एनाटॉमी बताइए, तो मैं स्टोमक की एनाटॉमी में क्या बताऊंगा, ठीक है, मैं यही तो कहूंगा ना कि भाई मेरे स्टोमक जो है, मेरा स्टोमक जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड है। मेरा जो स्टोमक है वो एब्डोमिनल कैविटी में कौन सी साइड है मेरे दोस्तों? लेफ्ट साइड सिचुएटेड है। मेरा जो मेरे दोस्तों स्टोमक है वो जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है मेरे दोस्तों वो कार्डियक है, सेकंड पार्ट जो है वो मेरे दोस्तों फंडस है, और थर्ड पार्ट जो है वो इसका पाइलोरिक है।
मैं स्ट्रक्चर में यही तो बताऊंगा कि मेरे इस स्टोमक का ऊपरी जो भाग है वो इसोफेगस से जुड़ा हुआ है मेरे दोस्तों, और इसका जो नीचे वाला भाग है वो ड्यूडिनम से कनेक्टेड है। ऊपर की तरफ मेरे दोस्तों कार्डियक इंस्पेक्टर है और नीचे की तरफ पाइलोरिक इंस्पेक्टर है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है इसकी, ये इसकी एनाटॉमी है। मैं इसकी स्ट्रक्चर बता रहा हूं बच्चों आपको। अब फिजियोलॉजी क्या होती है देखिएगा, फिजियोलॉजी, ठीक है बच्चों, हम बात करें अगर फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी में हम बॉडी के ऑर्गन की मेरे दोस्तों फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, यानी फंक्शन पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। तो यहां होती है फंक्शन की स्टडी, फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन। जब मेरे दोस्तों बॉडी ऑर्गन का फंक्शन हम लर्न करते हैं तो वो है फिजियोलॉजी। जैसे मेरे को स्टोमक की फिजियोलॉजी पढ़नी है तो मैं स्टोमक कैसे फूड को डाइजेस्ट करता है मैं वो बात करूंगा, स्टोमक में कैसे मेरे दोस्तों डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं मैं उसकी बात करूंगा, गैस्ट्रिक जूस किस तरह से सीक्रेट होगा, कौन सीक्रेट करेगी, और इसके अंदर जितने भी जो टिश्यू की लेयर है बच्चों उनकी फिजियोलॉजी क्या है, उनका काम क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें बच्चों हम फिजियोलॉजी में लर्न करते हैं। तो फिजियोलॉजी का मतलब तो क्या हुआ, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन, और मेरे दोस्तों एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन। जब हमारे शरीर के अंगों की हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो वो एनाटॉमी है, और जब फंक्शन पढ़ रहे हैं वो फिजियोलॉजी है मेरे दोस्तों। यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ओके, बिल्कुल जी बिल्कुल। अब देखिएगा सबसे बड़ा पोर्शन है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर लगभग 50% सिलेबस अकेला एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कवर करती है, 50 से भी ज्यादा मेरे दोस्तों। जिसने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ ली, मान लो आपने 50% कवर कर लिया, इसके बाद में लगभग 30% फंडामेंटल है मेरे दोस्तों, बाकी 10% आपकी सोशियो साइको है, ठीक है ना। तो याद रख लेना, बहुत लेंदी सिलेबस है ये, ठीक है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट डिटेल अगर हम बात करें तो आपको कुछ एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए बच्चों, कुछ एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ने के लिए। देखिएगा सबसे पहले हम यहां पे बॉडी की पोजीशन जानेंगे मेरे दोस्तों, और बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जानेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है शारीरिक संगठन, आप सब जानते हैं लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है मेरे दोस्तों, इसको शारीरिक संगठन का स्तर बोलते हैं। तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है मेरी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किससे मिलकर बना है। तो मेरे दोस्तों अगर मैं कहूं कि जो मेरी बॉडी है इसका सबसे पहला स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है, सेल है कि नहीं है, बिल्कुल जी। अब देखिए अगर सेल बच्चों कंबाइन होती है तो ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाएगी मेरे दोस्तों, टिश्यू कहलाएंगे, ठीक है। टिश्यू जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं मेरे दोस्तों, ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। और जब बहुत सारे ऑर्गन जिनकी फिजियोलॉजी सिमिलर है, एक ही तरह के काम करने वाले जो ऑर्गन है, सेम फिजियोलॉजी शो करने वाले जो ऑर्गन है, वो क्या बनाएंगे बच्चों, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि बच्चों अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है ना, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी तो ऑर्गन से ही तो मिलकर बना है। जैसे मेरे दोस्तों कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है ना, तो ये सब किससे मिलकर बना है, ऑर्गन से। अब मैं आपसे पूछूं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होंगे, तो जैसे आपका हार्ट हो गया बच्चों, ब्लड वेसल्स हो गई मेरे दोस्तों, ठीक है, आपका ब्लड हो गया, ये आपस में मिलकर के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनाएंगे। तो सेम फिजियोलॉजी शो करने वाले ऑर्गन क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। और बच्चों ये जो बॉडी के सिस्टम है ये जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनती है, ह्यूमन बॉडी। क्या बनती है बच्चों, ह्यूमन बॉडी। तो एक ह्यूमन का जो शरीर है उसमें क्या होंगे, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम है कि नहीं, बिल्कुल है जी। अब देखिए बच्चों मैं अगर बात करूं टिश्यू की, तो हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से टिश्यू होंगे मेरे दोस्तों, हमारे शरीर में टोटल 4 टाइप के टिश्यू होंगे। फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू,
वैस्कुलर टिश्यू एंड नंबर फोर एंड लास्ट इज नर्वस टिश्यू। तो मेरे दोस्तों याद रख लेना, एक ह्यूमन के शरीर में, एक ह्यूमन की बॉडी में टोटल कितने टाइप के टिश्यू होंगे? फोर टाइप के। फर्स्ट वन इज एपिथीलियल, सेकेंड इज कनेक्टिव, थर्ड इज मस्कुलर एंड नंबर फोर इज नर्वस टिश्यू। याद रख लोगे? बिल्कुल। मेरे दोस्तों मेरा कोई भी ऑर्गन क्यों ना हो, मेरे उस ऑर्गन में ये चारों ही प्रकार के टिश्यू होंगे। जैसे मैं अभी स्टोमक की बात कर रहा था, तो इस स्टोमक की जो इनर लाइनिंग होती है बच्चों, इसमें एपिथीलियल होगा कि नहीं होगा, इसके बिल्कुल बीच में मिड वाली रीजन में कनेक्टिव और मस्कुलर होगा कि नहीं होगा, ठीक है, इसमें नर्वस भी होगा, और इसकी जो आउटर लाइनिंग है बच्चों उसमें भी क्या पाया जाएगा? एपिथीलियल। एपिथीलियल टिश्यू हमेशा मेरे दोस्तों किसी भी ऑर्गन के इनर पोर्शन में और आउटर पोर्शन में होगा, और किसी भी ऑर्गन में जो मूवमेंट होती है बच्चों वो मस्कुलर टिश्यू की वजह से होती है, और कोई भी ऑर्गन के अंदर मूवमेंट का जो ऑर्डर है वो नर्वस टिश्यू के द्वारा मेरे दोस्तों स्प्रेड होता है, ट्रांसफर होता है, याद रख लेना। ओके, अब दोस्तों देखिएगा, मैं अगर सेल की बात करूं तो मेरी जो सेल है उसी से तो मेरी बॉडी बनी है ना। मेरा जो ये ह्यूमन बॉडी है इसका जो वास्तव में मेन स्ट्रक्चरल यूनिट, मेन जो बच्चों आपकी ईट है, जो पत्थर का टुकड़ा है जिस पे पूरा मकान टिका हुआ है, वो आपकी सेल है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन सेल कैसे बनी बच्चों? सेल को मैं स्ट्रक्चरल यूनिट बोलूंगा ना, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। याद रख लेना बच्चों, ये हमारे शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है कि नहीं है? बिल्कुल जी बिल्कुल। अब बच्चों देखिए, एक सेल कैसे बनी भाई? तो सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे जी। अरे मॉलिक्यूल का मतलब कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, विटामिंस होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल। कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ मेरे दोस्तों माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किससे मिलकर बने होंगे? एटम से। किससे? एटम से। तो ये जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, इसे आपको लर्न करना पड़ेगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़े? अरे सर बिल्कुल बढ़िएगा। अब हम बात करेंगे बॉडी पोजिशन की, बॉडी पोजिशन की। लेकिन इससे पहले बच्चों मैं दो तीन टर्मिनोलॉजी और आपको बताना चाहूंगा। बच्चों जब भी मेरे दोस्तों जो है आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो आपको वहां कुछ चीजें दिखती है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक आपको जो है ओपीडी दिखता है, हॉस्पिटल के अंदर जब भी आप एंटर करते हैं ओपीडी दिखता है, आईपीडी दिखता है, एमओटी दिखता है कि नहीं, ओटी दिखता है। इसके अलावा बच्चों आईसीयू दिखता है, एनआईसीयू दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है? बिल्कुल जी बिल्कुल मेरे दोस्तों। इसके अलावा पैथोलेब दिखती है, पैथोलेब दिखती है कि नहीं है? बिल्कुल जी। अब देखो बच्चों, मैं ये दो तीन टर्मिनोलॉजी यहां बताना चाहूंगा, बाकी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम केवल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और मेरे दोस्तों मैं तो यहां पे ओपनली आपको बोल रहा हूं, मेरे प्यारे साथियों इस एनाटॉमी को इन फिंगर के ऊपर आपको याद करा देंगे, भले ही आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो। और एक बात बता दूं बच्चों, बीएससी नर्सिंग क्या है, इसके बाद क्या कर सकते हैं, कौन कौन से जॉब है, कौन कौन सी डिटेल है, इस पे हमने एक घंटे का पूरा एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, और विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बीएससी नर्सिंग का जो ये कोर्स है बच्चों, इस कोर्स के डेमो में हमने डाल दिया है बच्चों, ठीक है ना, इस कोर्स के डेमो में हमने डाल दिया है, ठीक है। तो इसके डेमो में डाला हुआ है, सभी बच्चे वो वीडियो जरूर देखना। जिसने वो वीडियो देख लिया ना, उसके बीएससी नर्सिंग के बारे में उसकी कंप्लीट लाइफ में कभी कोई मेरे दोस्तों डाउट नहीं रहेगा। जरूर देखना मेरे दोस्तों, ₹1,00,000 की फीस वाला कोर्स बच्चों विजय एजुकेशन केवल आपको 990 में दे रहा है मेरे दोस्तों, और ये हिम्मत आप लोगों ने हमें दी है। मैं भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं मेरे दोस्तों, मैं सारी परिस्थिति समझता हूं बच्चों की। मुझे पता है बीएससी नर्सिंग करने के लिए जब बच्चे जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन वहां जो बड़े गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां टीचर इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। और जो छोटे नए खुले हुए गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहां स्टार्टिंग में फैकल्टी नहीं होती है, तो इसलिए बच्चों को पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। इस वजह से बच्चों ये मैंने कोर्स आपके लिए लॉन्च किया है, ताकि आप अपने कॉलेज के साथ साथ एक घंटे दो घंटे डेली इसको पढ़ करके और मेरे दोस्तों बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, मैं बात करना चाहूंगा यहां पे दो तीन चीजें पहले हम देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, मैं अगर बात करूं कि बच्चों आप एक हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा होगा एक छोटा सा रूम होता है, मान लो आपके कहीं कट लग गया,
ठीक है ना, कहीं लग गई थोड़ी सी, तो वहां पे आप जाते हो तो वहां नर्सिंग कर्मी होते हैं और वो उसके ऊपर मेरे दोस्तों बैंडेज वगैरह लगाने का काम करते हैं, उस वाउंड को, उस घाव को धोने का काम करते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर पट्टी वगैरह बांध देते हैं। तो वो जो रूम है मेरे दोस्तों जिसमें आपको थोड़ी देर तक ट्रीटमेंट दिया गया फिर फ्री कर दिया, वो होती है एमओटी, ठीक है ना, वो कौन सी है, एमओटी। लेकिन मान लो आपके बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी, ठीक है ना, और डॉक्टर ने कहा नहीं भाई इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको सर्जरी के लिए भेज दिया गया एक रूम में जहां पे डॉक्टर आपकी सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो रूम कौन सा है, वो है ओटी, बच्चों से ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन थिएटर। बिल्कुल जी बिल्कुल बच्चों, जब आप किसी डॉक्टर से चेक कराने के लिए जाते हैं, डॉक्टर ने दवाई वगैरह लिख करके और आपको कहा मेडिकल से दवा लेकर के घर चले जाओ, चार दिन बाद वापस आ जाना, तो जो डॉक्टर ने आपको चेक किया और तुरंत रवाना कर दिया, इसका मतलब आप केवल ओपीडी वाले भाग में गए, ठीक है ना, आप आउटडोर वाले भाग में गए, ठीक है ना, और फिर वापस आप तुरंत वापस घर चले गए। लेकिन बच्चों आपकी कंडीशन बड़ी सीरियस थी, डॉक्टर ने कहा भाई आपको तो एडमिट होना पड़ेगा, अगर एक पेशेंट को एडमिट कर दिया इसका मतलब अब आप सीधा कौन से वार्ड में चले गए, आईपीडी, ठीक है ना, यानी मेरे दोस्तों अब आप इंडोर में चले गए, अब आपको एडमिट कर दिया, अब वहां पे कंटिन्यूअस आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो आईपीडी जहां पेशेंट एडमिट है, ओपीडी जहां पेशेंट आया डॉक्टर को चेक करवाया और वापस गया, जहां सर्जरी हो रही है वो आपका कौन सा है, ओटी है मेरे दोस्तों, जहां नॉर्मल ट्रीटमेंट करके मेरे दोस्तों आपको वापस भेज दिया वो कौन सा है, एमओटी है। अब दोस्तों आईसीयू और एनआईसीयू इन दोनों में क्या फर्क है भाई, आईसीयू और एनआईसीयू, ठीक है बच्चों, मैं एक इमेज आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा अगर मेरे पास में है तो, बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये देखिए बच्चों, यहां आप अगर देख पा रहे हो तो कुछ छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ठीक है ना, ये आपने ये वाला रूम तो सभी ने देखा होगा, ये वाला रूम तो आपने देखा होगा, देखो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मेरे दोस्तों एडमिट है कि नहीं है, बिल्कुल। और यहाँ पे बच्चों देखिएगा, ये जो पूरा रूम है बंद रहता है बच्चों, ठीक है, यहाँ कोई भी मदर फादर एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। एक बच्चे का जैसे ही जन्म हुआ उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल थी, उसे रेस्पिरेटरी जो है डिजीज हो गई, उस बच्चे को न्यूमोनिया हो गया, ब्रीदिंग में दिक्कत थी, श्वास लेने में दिक्कत थी, और भी कुछ सिम्टम थे, या कई बार बच्चा जो है सातवें महीने जन्म ले लेता है बच्चों, तो ऐसी परिस्थिति में उस बच्चे को कहां पे रखा जाता है, एक विशेष ट्रीटमेंट देने के लिए एनआईसीयू में रखा जाता है। याद रख लेना, एन का मतलब यहां पे नियोनेटल्स हैं, यानी छोटे बच्चे, ठीक है ना, आई का मतलब है दोस्तों इंटेंसिव, सी का मतलब है केयर, यू का मतलब है यूनिट, तो ये है एनआईसीयू। तो एनआईसीयू में मेरे दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है ना, जो नवजात शिशु होते हैं, जो नियोनेटल्स होते हैं, उनको रखा जाता है नियोनेटल इंटेंसिव इंटेंसिव केयर यूनिट। याद रख लोगे कि नहीं? बिल्कुल याद रखेंगे सर, ये नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है बच्चों, ठीक है। और यहां पर मेरे दोस्तों कोई भी अंदर नहीं जा सकता, ठीक है ना, ये रूम पूरी तरह से मेरे दोस्तों जो संक्रमण मुक्त रहता है, ठीक है ना, स्टराइल एरिया है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल, याद रखना, एनआईसीयू का मतलब आप समझ गए ना, बिल्कुल। तो बच्चों एक इस तरह का और भी भाग होता है, अगर मान लो ये इसी तरह का रूम है, ठीक है ना, आपने देखा था कोविड के अंदर बहुत सारे पेशेंट बहुत सीरियस हो रहे थे, उन्हें श्वास लेने में दिक्कत आ रही थी, ठीक है ना, उनका सीटी लेवल बहुत बढ़ गया था मेरे दोस्तों, उनका जो लंग्स है वो कोलैप्स होना शुरू हो गया था। ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को जिसकी उम्र 50 साल है 70 साल है, क्या उसको भी एनआईसीयू में रखेंगे? नहीं, एनआईसीयू में तो जो सीरियस बच्चे होते हैं छोटे छोटे उनको रखा जाता है, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों एक व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा सीरियस है, उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो उसे कहां पे रखेंगे? उसे आईसीयू में रखा जाता है बच्चों। इसी तरह का एक और रूम होता है जिसके अंदर मेरे दोस्तों ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है, ठीक है ना, जिसमें मेरे दोस्तों एक स्पेसिफिक डॉक्टर का अरेंजमेंट रहता है जो 24/7 उसकी निगरानी करता है, देख रेख करता है, उसे मेरे दोस्तों हम आईसीयू बोलते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट। याद रख लेना, आईसीयू का मतलब क्या हुआ? आईसीयू। आपने कई बार सुना होगा कि भाई आईसीयू में एडमिट है फला फला व्यक्ति, आईसीयू में एडमिट है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा सीरियस है, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत है, हो सकता है उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो, श्वास लेने में दिक्कत हो, ठीक है कि नहीं है, या हो सकता है वो जो है बेहोशी में हो, ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट। तो आईसीयू और एनआईसीयू, ठीक है ना,
मेरे दोस्तों यहाँ पे कोई इमरजेंसी कंडीशन हो, कोई सीरियस पेशेंट हो, तो उसको मेरे दोस्तों आईयूसी में रखा जाता है। याद रख लोगे कि नहीं? बिल्कुल रख लेंगे सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत जी नहीं है। अरे वाह मेरे शेरों वाह। ठीक है, पैथो लैब क्या है भाई? ये वो लेबोरेटरी है जहाँ CBC, ठीक है ना मेरे दोस्तों, जहाँ काउंट ऑफ ब्लड सेल, यानी जहाँ आप ब्लड रिपोर्ट करवाते हो मेरे दोस्तों, जहाँ यूरिन की रिपोर्ट करवाते हो, ठीक है ना, वो मेरे दोस्तों जो लैब है वो पैथो लैब होती है। ठीक है ना, याद रख लेना। पैथो शब्द, पैथो हिस्टो, ये शब्द आपको मालूम होने चाहिए बच्चों, इनका मीनिंग आपको आना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया पैथोलॉजी, ठीक है ना, पैथो शब्द का मतलब होता है डिजीज, पैथोजन, ठीक है ना, पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी का मतलब जहां हम पैथोजन की स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, पैथोजन के बारे में, किसी स्पेसिफिक डिजीज के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं बच्चों, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। इसी तरह से एक टर्मिनोलॉजी है बच्चों, कार्डियो, कार्डियो पैथो, कार्डियो ऑनको पैथो, कार्डियो ऑनको, ठीक है ना मेरे दोस्तों, गायनेको, ठीक है ना, गायनेको, ठीक है ना, याद रख लेना। इसके अलावा ऑर्थो, ऑर्थो, ठीक है, ये शब्द आएंगे बच्चों, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, ऑर्थो का मतलब बोन से रिलेटेड, ठीक है ना, ऑर्थो शब्द आ गया, इसका मतलब बात होगी बोन एंड जॉइंट की, बोन एंड जॉइंट की। मेरे प्यारे साथियों, गायनेको नाम आ गया तो इसका मतलब यहां बात होगी फीमेल की, फीमेल से रिलेटेड जितनी भी डिजीज वगैरह होती है उनका मेरे दोस्तों ट्रीटमेंट गायनेक डिपार्टमेंट में होता है, गायनेकोलॉजिस्ट एक डॉक्टर होता है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। ऑनको, ऑनको कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पे कैंसर से रिलेटेड मेरे दोस्तों हम स्टडी करते हैं, ऑनकोलॉजिस्ट, ऑनकोलॉजी कैंसर की स्टडी, ऑनकोलॉजिस्ट कैंसर रोग विशेषज्ञ, ठीक है ना, कार्डियो, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट आप सब हो, ठीक है ना, तो बच्चों जहां हार्ट की बात हो, ठीक है ना, उस सीधा कार्डियो, कार्डियक शब्द आ गया, इसका मतलब हार्ट से रिलेटेड, ये शब्द याद रखो बच्चों। हिस्टो, जैसे बात आ गई हिस्टो, हिस्टो अगर कहीं पे आ गया इसका मतलब बात करेंगे हम टिश्यू की, जब भी कहीं पे टिश्यू की बात होती है तो वहां हिस्टो टर्मिनोलॉजी आती है। ये टर्म आप याद रखो, ये शब्द आप याद रखो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल जी बिल्कुल। एक टर्मिनोलॉजी और है, एक टर्मिनोलॉजी और है, जब आप बच्चों एक हॉस्पिटल में जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में वहां डॉक्टर आपको क्या बोलेगा कि बेटा टीपीआर लेके आ जा, ठीक है ना, क्या लेके आ, पेशेंट का टीपीआर लेके आ। अब आप सोचोगे यार क्या लेके आऊं, ठीक है ना, आप कहीं पेशेंट का बैग नहीं उठा के लेके चले जाओ, पेशेंट को उठा के लेके चले गए, ये लो सर टीपीआर, नहीं भाई, टीपीआर का मतलब हमेशा मॉर्निंग में, बच्चों देखो हॉस्पिटल में तीन शिफ्ट होती है, जब आपको हॉस्पिटल ड्यूटी मिलेगी टोटल तीन शिफ्ट होती है, एक होती है सुबह के टाइम मॉर्निंग ड्यूटी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है ना, जब आपको मॉर्निंग शिफ्ट मिलती है ना तो मॉर्निंग 8 AM to 2 PM ये होती है मॉर्निंग शिफ्ट, एक होती है बच्चों इवनिंग शिफ्ट, ठीक है ना, एक होती है इवनिंग शिफ्ट बच्चों, इवनिंग शिफ्ट होती है 2 PM to 8 PM, ठीक है, और एक होती है बच्चों नाइट शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, नाइट शिफ्ट में आपको ड्यूटी करनी होती है 8 PM to 8 AM, ठीक है ना, जब बच्चों आपको ड्यूटी मिलेगी काम सीखने के लिए, तो एक हॉस्पिटल में मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हो ना, तो बच्चों एक हॉस्पिटल मान लो एक महीना आप जॉब करते हो, 1 month, ठीक है ना, तो उस एक महीने में लगभग आपको 7 days नाइट ड्यूटी करनी ही पड़ती है, ठीक है ना, और आप ये मान के चलो कि लगभग 10 days आपको मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट करनी होती है, ठीक है ना, बिल्कुल जी बिल्कुल। अब देखिए बच्चों टीपीआर का मतलब क्या है, TPR, ये तीनों टर्मिनोलॉजी याद रखो बहुत काम आएगी। टी का मतलब होता है टेम्परेचर, जब भी किसी पेशेंट का टेम्परेचर लेना हो तो वहां पे इस टी शब्द को यूज में लेते हैं, ठीक है ना, और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड में बताऊं तो कितना, 37 degrees centigrade, ठीक है ना, याद रख लेना मेरे दोस्तों। अब अगर मैं पी की बात करूं, पी का मतलब होता है पल्स, क्या,
पल्स बच्चों, पल्स का मतलब होता है नाड़ी, जो कि पर मिनट 72 टाइम पर मिनट स्पंद होती है। आर का मतलब होता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एक व्यक्ति की ब्रीदिंग, ठीक है ना, रेस्पिरेशन जो कि होती है 60 से लेकर के 20 पर मिनट, याद रखना। और टीपीआर के साथ एक हम बीपी भी लेते हैं बच्चों, बीपी कितनी होती है एक नॉर्मल पेशेंट की 120/80 mmHg, एक नॉर्मल पेशेंट की बीपी कितनी होती है 120/80 mmHg, याद रख लोगे ना, बिल्कुल। अगर ब्लड प्रेशर 130 से ऊपर हो गया तो मेरे दोस्तों वो हाइपरटेंशन की कंडीशन है, ठीक है, और 110 से या 100 से नीचे आ गया तो वो लोअर सिचुएशन है मेरे दोस्तों, ओके, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे बच्चों बॉडी पोजीशन की, किसकी बात करेंगे, बॉडी पोजीशन की और बॉडी कैविटी की, दोनों चीजें हम पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ेंगे बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी मेरे प्यारे साथियों ये बेसिक चीजें हैं, मेरे हर एक विजय एजुकेशन के सितारे को अगर ये चीज नहीं आएगी तो कैसे चलेगा, अरे कैसे चलेगा। मेरे बॉडी में टोटल कितनी कैविटी है, टोटल 4 कैविटी होती है बच्चों अपने बॉडी के अंदर, कितनी कैविटी होती है 4 कैविटी होती है हमारे इस बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में कौन सी 4 कैविटी होगी बच्चों, ठीक है ना, देखिएगा हमारे बॉडी के अंदर टोटल 4 कैविटी है। आप जब भी किसी ऑर्गन की बच्चों एनाटॉमी लिखेंगे तो वहां बॉडी कैविटी लिखनी बहुत जरूरी है। जैसे आपसे पूछ लिया कि ब्रेन की एनाटॉमी बताओ, किसकी एनाटॉमी, ब्रेन की, तो सबसे पहली पहली लाइन आपको यहां पे बताना पड़ेगा कि ब्रेन कौन सी कैविटी में है। जैसे आपसे हार्ट की एनाटॉमी पूछ ली, आपको पता होना चाहिए हार्ट मेरे दोस्तों कहां पे है, स्टोमक के बारे में पूछ लिया, ओवरी के बारे में पूछ लिया, तो मेरे दोस्तों आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये ऑर्गन, ठीक है, कौन सी कैविटी में है। या जैसे आपसे यूट्रस के बारे में पूछ लिया, ठीक है ना, किसके बारे में, यूट्रस के बारे में पूछ लिया, ठीक है, तो आपको इनकी एनाटॉमी मालूम होनी चाहिए, तो तुरंत मेरे दोस्तों आपको बताना पड़ेगा कि हमारे बॉडी में टोटल 4 कैविटी है। पहली कैविटी है ये वाली, ये पूरे जो मेरे दोस्तों खोपड़ी है ना, ये अपने आप में एक कैविटी है। कैविटी मतलब एक ऐसा स्पेस जहां आपके ऑर्गन है, जहां आपके ऑर्गन सिचुएटेड है, ऑर्गन रखे हुए हैं, उस होलो सीलोम को हम बॉडी कैविटी बोलते हैं बच्चों। तो सबसे पहली जो बॉडी कैविटी होगी मेरे दोस्तों, सबसे फर्स्ट जो बॉडी कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी, कौन सी कैविटी बच्चों, क्रेनियल कैविटी, ठीक है ना, सबसे ऊपर वाली बॉडी की कैविटी है। अगर मैं पूछूं ब्रेन कहां पर है तो आप कहोगे सर ब्रेन क्रेनियल कैविटी में है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर है, क्रेनियल कैविटी में है। पीनियल ग्लैंड कहां पर है, क्रेनियल कैविटी में। हाइपोथैलेमस कहां पर है, क्रेनियल कैविटी में। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। अब मैं क्रेनियल कैविटी से नीचे आ रहा हूं इस पोर्शन में, ये जो पोर्शन है बच्चों जहां पे हमारा डायफ्राम खत्म हो रहा है, उस डायफ्राम से ऊपर तक ये पूरा जो एरिया है बच्चों इसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। तो सेकंड बॉडी कैविटी इज थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी को वक्ष गुहा बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना, और क्रेनियल कैविटी को कपाल गुहा कहा जाता है, ठीक है ना। थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में कौन से बॉडी ऑर्गन होते हैं अगर आपसे पूछ ले, तो फर्स्ट वन इज लंग्स, हमारे जो लंग्स हैं वो थोरेसिक कैविटी में है। सेकंड इज अवर ट्रेकिया, ट्रेकिया यानी हमारी श्वास नली यहां पर है। थर्ड इज अवर हार्ट, हमारा हार्ट भी यहीं पे है बच्चों, याद रख लोगे ना। एंड नंबर 4 इज थाइमस ग्लैंड, हमारी जो थाइमस ग्लैंड है बच्चों वो भी इसी कैविटी में सिचुएटेड है, ठीक है। ये तो हो गई सेकंड बॉडी कैविटी थोरेसिक कैविटी। थर्ड बॉडी कैविटी इज एब्डोमिनल कैविटी, सबसे बड़ी कैविटी है, लार्जेस्ट कैविटी है एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है बच्चों। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब है ये बच्चों आपका जो पूरा एरिया है ये एब्डोमिन है, जिसको आप नॉर्मली पेट भी बोलते हो, है कि नहीं। इस एब्डोमिनल वाले पोर्शन में डाइजेस्टिव सिस्टम के ज्यादातर ऑर्गन यहीं पे है बच्चों, याद रख लेना। एब्डोमिनल कैविटी में हमारी इंटेस्टाइन होती है, क्या होती है बच्चों, हमारी आंत, इंटेस्टाइन। यहां पर हमारा स्टोमक होता है, कौन बच्चों, स्टोमक होता है। इसके अलावा बच्चों यहां पे लीवर होगा, क्या, लीवर, और क्या होगा,
पैनक्रियाज होगा, और क्या होगा, स्प्लीन होगा, और क्या होगा, गॉल ब्लैडर होगा, जीबी। ठीक है, ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि गॉल ब्लैडर कहां पे सिचुएटेड होगा, कौन सी कैविटी में, लीवर कौन सी कैविटी में, स्टोमक कौन सी कैविटी में। तो बताना पड़ेगा कि हमारा जो स्टोमक है बच्चों, वो एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड होता है, ठीक है ना। तो ये आपको बताना पड़ेगा। अब एब्डोमिनल कैविटी को भी फर्दर और छोटी छोटी सब कैविटीज में बांटा गया है, वो हम आगे लर्न करेंगे। ओके, बिल्कुल। नंबर फोर एंड लास्ट कैविटी इज पैल्विक, पैल्विक कैविटी, पैल्विक कैविटी। बच्चों पैल्विक कैविटी जो है सबसे लोअर कैविटी है बॉडी की, ठीक है, जो आपका कमर वाला भाग होता है मेरे दोस्तों, उस एरिया की जो कैविटी है उसको हम बोलते हैं पैल्विक कैविटी। पैल्विक कैविटी में पैल्विक बोन होती है बच्चों, ठीक है ना। और तो और पैल्विक कैविटी वाले रीजन में हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो याद रख लेना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिचुएटेड इन पैल्विक कैविटी। याद रख लोगे ने? बिल्कुल रख लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है भाई, तो अगर मैं पूछूं ब्रेन कहां पे है, तुरंत आप बोल दोगे सर क्रेनियल कैविटी में। ओके, हार्ट कहां पे है, आप बोल दोगे सर थोरेसिक कैविटी में। स्टोमक कहां पे है, आप बोल दोगे सर एब्डोमिनल कैविटी में। यूट्रस कहां पे है, आप बोल दोगे सर ये तो आपका पैल्विक, पैल्विक कैविटी में। एम आई राइट? राइट सर। ठीक है, अब देखिएगा एक एनिमेशन के रूप में भी ये चीजें देखो, ये चीजें है कहां पे, ये देखिएगा बच्चों। यहां पे मैं टीम को कहूंगा स्क्रीन दिखाई जाए मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा ये आपको बॉडी कैविटी दिखेगी। ये वाली जो बॉडी कैविटी है यहां पर, ये है आपकी क्रेनियल कैविटी। ये कौन सी कैविटी है बच्चों? दिस इज क्रेनियल कैविटी। याद रख लोगे ना? बिल्कुल रख लेंगे, ये हमारी क्रेनियल कैविटी। अब इधर नीचे आइएगा, ये यहां पे हमारा डायफ्राम है बच्चों। डायफ्राम जो है, एक बात याद रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ठीक है ना। हाँ, आपसे अगर ये पूछे कि विच स्ट्रक्चर इज सेपरेट एब्डोमिनल कैविटी टू थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को कौन सेपरेट करेगा, या ये भी पूछा जा सकता है कि कनेक्टिव लिंक बिटवीन एब्डोमिन एंड थोरेसिक। ऊपर थोरेसिक, डायफ्राम के जस्ट नीचे एब्डोमिनल, याद रखोगे ने? बिल्कुल। अब एब्डोमिनल कैविटी से जस्ट नीचे की तरफ बच्चों जो होती है वो है आपकी पैल्विक कैविटी। तो ये आपकी यहां पे कौन सी कैविटी होगी बच्चों, जहां मैं ब्लैक ब्लैक बना रहा हूं, वो है आपकी पैल्विक। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि बच्चों थोरेसिक कैविटी एंड पैल्विक कैविटी के बीच में कौन सी है, एब्डोमिनल, ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी, ये आपकी थोरेसिक कैविटी, और ये आपकी बच्चों क्रेनियल कैविटी। तो टोटल कैविटी कितनी है? फोर बॉडी कैविटी। याद रख लोगे? बिल्कुल रख लेंगे। आगे बढ़े, अरे सर बढ़िएगा, अब बात करेंगे बॉडी पोजीशन की। किसकी बात करेंगे बच्चों? बॉडी पोजीशन की बात करें कि नहीं करें बच्चों? आपकी अगर इजाजत है तो बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बॉडी पोजीशन की हम बात कर लेना मेरे प्यारे लाडलो, बॉडी पोजीशन, बॉडी पोजीशन। अब देखिए बच्चों, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को लर्न करने के लिए, पढ़ने के लिए आपको आनी चाहिए। जैसे जैसे मैंने बात करी, मैंने कहा सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, फ्रंटल, बैक, डॉर्सल, वेंट्रल, डिस्टल, प्रोक्सिमल, ये जो शब्द मैंने अभी बोले हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपके एनाफिजियो में आपको लर्न करनी है। और अभी हम करते हैं लर्न। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए बच्चों, ये एक हमारे मिस्टर है कोई, उस मिस्टर का ये यहाँ पे बॉडी है, ठीक है, ये किसी का शरीर है, ठीक है। अब बच्चों इसके बॉडी का जो ऊपर वाला भाग होगा, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? सुपीरियर। उसे हम क्या बोलने वाले हैं? सुपीरियर, ठीक है। बॉडी का जो लोअर पार्ट होगा नीचे का, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फीरियर, इन्फीरियर। विद एग्जांपल बताना चाहता हूं बच्चों, जैसे मैं आपसे कहूं हमारे लिम्ब, लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब का मतलब है हमारे फुट, हमारे जो फुट है बच्चों वो है बॉडी के इन्फीरियर रीजन में। हमारा जो हेड है बच्चों, हमारा जो क्रेनियम है वो है सुपीरियर रीजन में। तो हमारे बॉडी के, जैसे ये अपना सेंट्रल एरिया मान लिया मैंने, यहाँ से ऊपर के जो भाग है सभी
उन वो सुपीरियर कंडीशन में है और जो नीचे की चीज़ें हैं वो इन्फीरियर, ठीक है ना। तो हेड जो है वो मेरा सुपीरियर रीजन में है, बॉडी के सुपीरियर में कौन है, हेड है कि नहीं है, बिल्कुल है जी, ठीक है ना। और बॉडी का जो बिलो रीजन है, लोअर रीजन है, उसे मैं इन्फीरियर कहूँगा। सुपीरियर ऊपर का, इन्फीरियर नीचे का, अपर पोर्सन सुपीरियर, लोअर पोर्सन इन्फीरियर, इतना याद रख लोगे क्या? बिल्कुल। अब देखिए बच्चों, अब है ये बॉडी का जो साइड वाला भाग है, जहाँ पे मेरे अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब का मतलब हैंड, लोअर लिम्ब मतलब फुट, तो मेरा ये एरिया है लैटरल, इसे क्या बोलते हैं? लैटरल, ठीक है ना। तो याद रख लेना, यहाँ तीन टर्मिनोलॉजी और यूज में लूँगा, फिर एक चीज़ आपको और दिखाऊँगा। एक होता है बच्चों एंटीरियर, एंटीरियर, दूसरा होता है बच्चों पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब है सामने का, ठीक है ना, एंटीरियर। और एक क्या होता है बच्चों? पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मतलब बेक, पोस्टीरियर। ये दोनों टर्मिनोलॉजी भी आपको आनी चाहिए। ये मेरे बॉडी का एंटीरियर है कंप्लीट, ये एंटीरियर है बिल्कुल, सामने का जो ये भाग है। अब जैसे मैं खड़ा हूं, आप जो भी देख रहे हो वो मेरा बॉडी का एंटीरियर रीजन है। मेरी ये चेस्ट एंटीरियर है, मेरे आई एंटीरियर रीजन में है, ठीक है ना, मेरे लिप्स एंटीरियर रीजन में है, ठीक है। और अब मैं जैसे ही ऐसे घूम गया तो अब जो चीज़ें देख रहे हो वो सारी पोस्टीरियर में है, बैक में। मेरी वर्टिब्रल कोलम पोस्टीरियर है, ठीक है ना, मेरी ये जो नेक वाला भाग है ये पूरा पोस्टीरियर है कि नहीं। तो बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, मेरी स्केपुला बोन है यहाँ पे, ये पोस्टीरियर रीजन में है। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, इन दोनों के बारे में भी आपको याद रखना पड़ेगा। एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब है जो हमारे बॉडी में जो फ्रंट रीजन है, पूरा फ्रंटल जो पोर्शन है, उसे हम एंटीरियर टर्मिनोलॉजी से लिखते हैं। याद रख लोगे ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। अब एंटीरियर के लिए एक टर्मिनोलॉजी और लिखते हैं हम लोग, वेंट्रल। इसके लिए एक टर्म और याद रखिए आप, वेंट्रल। जैसे मेरे से पूछा आपका हर्ट, हर्ट हमारा एंटीरियर रीजन में है कि पोस्टीरियर? तो हर्ट एंटीरियर रीजन में है, एंटीरियर के बजाय मैं वेंट्रल भी कह सकता हूँ। मेरे बॉडी में जो वेंट्रल साइड है इसमें मेरा हर्ट है, और मेरे बॉडी में जो डोर्सल साइड है उसमें मेरा वर्टिब्रल कोलम है। क्लियर है? डोर्सल का मतलब क्या हो गया? पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर का मतलब हुआ बच्चों बेक, ठीक है ना, मेरा जो बेक है, ठीक है ना, या मैं कह दूं इसको क्या कहता हूं? डोर्सल, डोर्सल, ठीक है ना। एग्जांपल दे दूं क्या? अरे सर बिल्कुल दीजिएगा। देखिए पोस्टीरियर में कौन होगा? मेरी वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कोलम, ठीक है। और मेरे एंटीरियर में कौन है? जैसे मैंने कहा मेरा हर्ट, ओके बिल्कुल। अब एक क्या होता है बच्चों? लैटरल, लैटरल का मतलब है मेरा साइड वाला भाग। जैसे जैसे मेरे अपर लिम्ब, अपर लिम्ब का मतलब है मेरे हैंड, ठीक है, अपर लिम्ब, जिनको आप क्या कहते हो? हैंड, ठीक है कि नहीं बच्चों? तो ये याद रखिए, ये मेरा लैटरल है, ये मेरा पूरा एंटीरियर है, और मेरा बेक वाला पूरा भाग पोस्टीरियर है, ठीक है। और ऊपर के जो एरिया है पूरा, यहाँ से ऊपर का भाग सुपीरियर, यहाँ से नीचे का भाग इन्फीरियर। चार चीज़ें याद रखोगे, अपर सुपीरियर, लोअर इन्फीरियर, फ्रंट का पोर्शन एंटीरियर, बेक पोस्टीरियर, साइड लैटरल, साइड लैटरल, ठीक है। फ्रंट एंटीरियर, बेक पोस्टीरियर, अपर जो है सुपीरियर, लोअर इन्फीरियर, इतना याद रख लोगे ना? बिल्कुल रख लेंगे। अब बताओ देखें, मैं एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ आपको, आप उस एनिमेशन को देख के मुझे बताओगे। क्लियर? बिल्कुल, ये लीजिए। अब इस एनिमेशन में आप मुझे ये बताइए, ये ऐसे खड़ा है व्यक्ति, ठीक है ना। तो इसके इधर वाला जो भाग है, ये वाला पूरा, ये जो एरिया है, ये इसका एंटीरियर हो जाएगा। इधर जो है बेक, ये इसका पोस्टीरियर, ये ऊपर वाला भाग सुपीरियर, ये नीचे वाला भाग इन्फीरियर। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये देखिए, अब इसका ये ऊपर वाला भाग है, यहाँ से जो ये ऊपर का भाग है, ठीक है, सारी चीज़ें बच्चों याद रखो, अच्छी तरह से लर्न करो, ठीक है। ये इसका ऊपर वाला भाग है, इसको सुपीरियर बोलोगे, सुपीरियर। इधर नीचे का एरिया होगा, उसको क्या कहेंगे? इन्फीरियर, इन्फीरियर। ये जो इसका फ्रंटल रीजन है पूरा, ये फ्रंटल वाला भाग है, ये सामने का पूरा जो भाग है, इसको क्या बोलोगे? एंटीरियर, एंटीरियर, ओके। और इसका जो ये बेक वाला भाग है पूरा बेक, इसको क्या बोलोगे? पोस्टीरियर,
पोस्टीरियर। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत ही अच्छे। क्या बात है बच्चों, सीखने वाले बच्चे हो तो आपके जैसे नहीं तो नहीं हो, और मूछे हो तो नथुलाल के जैसी नहीं तो नहीं हो। अब देखिए मेरे दोस्तों, तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करेंगे बॉडी प्लेन। मेरे दोस्तों, बॉडी प्लेन का मतलब हुआ बॉडी कट। अगर मैं बॉडी को काटता हूँ तो मैं किस प्रकार से काट सकता हूँ? देखो, मेरे बॉडी का मिडिल पोर्शन है, एक ये मिड रेखा यहाँ से जा रही है। यह मेरे बॉडी से कौन सी लाइन जा रही है? मिड लाइन जा रही है। अगर मैं इस बॉडी को मिड लाइन से अगर डिवाइड करता हूँ ऐसे, तो वो मेरा मीडियल प्लेन होगा कि नहीं होगा? कौन सा होगा? मीडियल प्लेन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा बच्चों, ठीक है। अब अगर मैं बॉडी को ऐसे कट करूं, ट्रांसवर्स, इस तरह से काटूं, जैसे ये पेन है, इसे ऐसे काटूं इस तरह से, तो इस कट को क्या बोलूंगा? ट्रांसवर्स बोलूंगा। तो मैं कोई भी चीज को तीन तरह से काट सकता हूं, तीन प्रकार से। कैसे बच्चों? जैसे ये मेरी बुक्स है, इसे आप बॉडी मान लो। अगर मेरे दोस्तों मैं इस बुक्स को इस तरह से काटूं ऐसे, ये इस प्रकार से काटूं, यूं ऐसे काटूंगा, तो इसका जो एंटीरियर रीजन है वो सामने आ जाएगा और पोस्टीरियर पीछे चला जाएगा। एक तो कट ऐसे हो सकता है, एक तो मैं ऐसे काटूं, ठीक है। दूसरा बच्चों, मैं इसको ऐसे भी तो काट सकता हूं मिड लाइन से, ये यहां से मिड लाइन गुजर रही, ऐसे काटूंगा तो इसकी दोनों लेटरल साइड अलग हो जाएगी। और एक मैं इसे ऐसे काट सकता हूं ट्रांसवर्स। तो तीन तरह से बॉडी प्लेन बनेंगे। कितने बॉडी प्लेन बनते हैं? तीन। आप खुद ही देखिए बच्चों, यहां पे देखिएगा, ये एक इस व्यक्ति की बॉडी है, इसे हम तीन तरह से काट रहे हैं। एक तो हम ऐसे काट रहे हैं, देखो इस तरह से काट रहे हैं, सामने एंटीरियर से कट बना रहे हैं और पोस्टीरियर की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे काट रहे हैं इसके बॉडी को इस तरह से, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं कट बनाऊंगा तो इसका ऊपर वाला भाग अलग और नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा? अलग। तो बॉडी दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। इस प्लेन को बोलते हैं ट्रांसवर्स। तो एक तो कट कैसा हो गया? ट्रांसवर्स, ठीक है ना। ट्रांसवर्स कट में हम कट बनाएंगे बच्चों। कट जो है, अगर मैं बॉडी की बात करूं तो मैं ऐसे एंटीरियर भाग में कट बनाते हुए पोस्टीरियर में लेके जाऊंगा। तो कटिंग कैसे होगी? जो कटिंग होगी मेरे दोस्तों, मैं बिल्कुल एक बेसिक वे में समझा रहा हूं आपको, कटिंग कैसे होगी? एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ, ठीक है। मैं ऐसे एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ, फ्रंट से बैक की तरफ ऐसे कट बना रहा हूं। ऐसे जैसे ही कट बनाऊंगा, अपर भाग अलग हो जाएगा और लोअर भाग अलग हो जाएगा, दो टुकड़े बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें बॉडी पार्ट कितने बन गए? कट बनने के बाद दो बॉडी पार्ट बने, एक अपर जो है वो अलग हो गया और लोअर पार्ट क्या हो गया बच्चों? अलग। और बीच में क्या बन गया? कट। बीच में क्या बन गया? कट, है कि नहीं। तो ये तो हो गया आपका ट्रांसवर्स प्लेन, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन, ओके। दूसरा जो बच्चों प्लेन होता है, ये तो पहला आपका ट्रांसवर्स हो गया। अब दूसरे प्लेन की हम बात करें तो दूसरा प्लेन है आपका दोस्तों मीडियन। मीडियन, इसे सेजिटल प्लेन भी बोलते हैं, मीडियन या सेजिटल, इसकी भी बात कर लेते हैं। ये आपका मीडियल, या इसको बोलते हैं सेजिटल प्लेन। अब बच्चों इस प्लेन में क्या होगा? बॉडी को एक मिड लाइन से काटा जाए, ऐसे मिड लाइन से काटूंगा तो क्या होगा? एक राइट पोर्शन अलग होगा और लेफ्ट अलग होगा। तो यहां पे कटिंग कहां से होगी? कटिंग बच्चों मिड लाइन से होगी। मिड लाइन का मतलब क्या हुआ? सुपीरियर टू इनफीरियर, कट होगा, कट सुपीरियर टू इनफीरियर, ये आपकी कटिंग होगी। कटिंग होने से बॉडी में पार्ट कितने बनेंगे? दो। एक तो आपका राइट बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा? लेफ्ट। भाई राइट अलग और लेफ्ट अलग होगा, बिल्कुल। तीसरा जो प्लेन बनता है बच्चों, थर्ड जो प्लेन बनेगा आपका, ठीक है ना, वो आपका प्लेन बनेगा कोरोनल। उस प्लेन को बोलते हैं कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन में क्या होगा बच्चों? देखिएगा, कोरोनल प्लेन में हम बॉडी को ऐसे काटेंगे, यूं काटेंगे, ऐसे ऐसे काटेंगे, तो मेरा पूरा का पूरा फ्रंट आगे कट के आ जाएगा और बैक पीछे कट के आ जाएगा। तो मैं लेटरल टू लेटरल काट रहा हूं, इधर से मेरे दोस्तों, मतलब मैंने कैंची घुसाई और इधर से पार कर दी,
इधर से घुसाई, इधर से पार कर दी, तो मेरा ये वाला भाग अलग और पीछे वाला भाग अलग, ठीक है ना। तो याद रखना इसमें मैंने कट बनाया राइट लेटरल टू लेफ्ट लेटरल की तरफ, इसका मतलब ये तो कट बनाया। और इससे बॉडी पार्ट कैसे बने, तो बॉडी का एंटीरियर पार्ट टूट के अलग, पोस्टीरियर पार्ट टूट के अलग, तो एक तो बन गया एंटीरियर और दूसरा कट बनने से क्या बन गया, पोस्टीरियर। बस ये बॉडी प्लेन आपको समझाने के लिए है बच्चों, और इससे ज़्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं फिर बोल दूँ मेरे दोस्तों, जैसे मान लेते हैं ये एक कॉकरोच है बच्चों, ठीक है ना, ये आपका क्या है, एक कॉकरोच है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, बिल्कुल जी बिल्कुल, ये आपका एक प्यारा कॉकरोच है, ठीक है, और मुझे इसको काटना है, ठीक है ना, मुझे इसको क्या करना है, काटना है बच्चों। अब देख लेना मेरी बात बड़े ध्यान से, ठीक है। अब मैं इसे ऐसे काट रहा हूँ, देखो ये लीजिए, ये मैंने काट दिया इस तरह से। तो ये जो कट बना है ये आपका मीडियन प्लेन, ठीक है ना बच्चों, ये इसका मीडियल प्लेन बना, जिससे इसका राइट भाग अलग हो गया, लेफ्ट जो है वो अलग हो गया, और ऐसे ये दो भागों में टूट गया, है कि नहीं। तो एक तो ये हो सकता है। अब दूसरा कट अगर मैं ऐसे बना दूं, तो ऐसे ऐसे अगर मैं कट बनाऊंगा तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स ये कटिंग हो सकती है, ठीक है। और तीसरी कटिंग ये वाली हो सकती है जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, जिसमें फ्रंट वाला अलग और बैक वाला अलग, ठीक है ना। तो बॉडी को तीन प्रकार से काटा जा सकता है, एक तो मीडियन जिसे सेजिटल बोलते हैं, दूसरा कोरोनल और तीसरा ट्रांसवर्स, ठीक है ना बच्चों। ये बात आपको याद रखनी है, एक तो आपका मीडियल हो गया, मीडियल में बॉडी ऐसे टूट गई दो भागों में राइट एंड लेफ्ट में, ठीक है। मीडियल को हम सेजिटल भी बोलते हैं बच्चों, ये भी मैं लिख देता हूँ इधर, ठीक है ना, सेजिटल, ठीक है, सेजिटल प्लेन बोलते हैं। ये हो गया आपका ट्रांसवर्स, और तीसरा आपका होता है कोरोनल, कोरोनल, कोरोनल प्लेन, ठीक है ना। कोरोनल प्लेन में क्या होता है बच्चों, बॉडी को इस तरह से सुपीरियर टू इन्फीरियर काटते हैं, जैसे फ्रंट का पोर्शन अलग और बैक का अलग, इसमें बॉडी दो भागों में बटती है, एक फ्रंट और एक बैक, ठीक है ना, और बीच में आ जाता है कट, ओके, बिल्कुल जी बिल्कुल। ये बात आपके समझ में यहाँ तक आ गई होगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से, एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब क्या, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गन, फिजियोलॉजी यानी फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन, ओके। इसके बाद में मेरे दोस्तों याद रख लेना, हीरोफिलस जो एक साइंटिस्ट था, जिसे हम एनाटॉमी का फादर भी बोलते हैं मेरे दोस्तों, एना का मतलब ही बॉडी होता है, ठीक है ना, टमी का मतलब कट या स्टडी। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये जितने भी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये जो शब्द हमने लिए हैं ना बच्चों, मोस्टली साइंस की जो टर्मिनोलॉजी है, या तो वो ग्रीक है या वो लैटिन है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब हमने ये कहा कि भाई इस एनाटॉमी के अंदर भी अलग अलग तरह की एनाटॉमी होती है, जैसे एक होती है सरफेस एनाटॉमी, जिसमें हम जो स्किन हो गई, हेयर हो गए, इनकी स्टडी करते हैं, ठीक है ना। एक मेरे दोस्तों होती है लिविंग एनाटॉमी, जहां पे हम जो बॉडी के जो लाइव ऑर्गन है उनकी स्टडी करते हैं लिविंग एनाटॉमी में, ठीक है ना। तो एनाटॉमी की भी अलग अलग ब्रांच होती है बच्चों, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बॉडी पोजीशन के बारे में बताया कि कोई अपर पोजीशन है तो उसको सुपीरियर बोलेंगे, लोअर है तो उसे इंफीरियर बोलेंगे, साइड की है तो उसे लेटरल बोलेंगे, सामने की है तो उसे फ्रंटल बोलेंगे, बैक की है तो उसे मेरे दोस्तों पोस्टीरियर बोलेंगे, ठीक है ना, सामने की, एंटीरियर, बैक की, पोस्टीरियर, ठीक है। फिर बॉडी को अगर कट करना हो तो अगर उसे मिड लाइन से कट कर रहे हो तो वो मीडियन प्लेन हो गया, उसे ऐसे ट्रांसवर्स कट कर रहे हो तो वो ट्रांसवर्स प्लेन हो गया, ठीक है ना, और उसे ऐसे लेटरली यूं कट कर रहे हो आप लोग तो वो कोरोनल हो गया बच्चों। तो तीन तरह के हो गए, मीडियन हो गया, फिर दूसरा कोरोनल हो गया, तीसरा ट्रांसवर्स हो गया, तीन तरह के प्लेन में कट किया जाता है बॉडी को, ठीक है। फिर मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी बताई, जैसे पैथो, कार्डियो, ऑनको, हिस्टो, इस तरह की टर्मिनोलॉजी आए तो याद रखना, ठीक है। जैसे ऑनको आ गया, इसका मतलब कैंसर से रिलेटेड है, पैथो आ गया यानी डिजीज या पैथोजन से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसी तरह से बॉडी कैविटी के बारे में पढ़ा, क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल में हमारा ब्रेन आ गया, फिर थोरेसिक कैविटी, फिर एब्डोमिनल और फिर पेल्विक, बॉडी में कितनी कैविटी है, टोटल 4 कैविटी है। अब बच्चों कुछ पोजीशन और, ठीक है ना, बॉडी पोजीशन की भी हम बात करें, ठीक है ना, बॉडी प्लेन की तो हमने बात कर ही ली। अब बच्चों देखिए, मैं कुछ ऐसी चीज आपके सामने रखूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है, ठीक है ना। देखिएगा बच्चों, ये है हमारे बॉडी की कुछ स्पेसिफिक पोजीशन, यहां पे तीन पोजीशन आपको याद रखनी है, एक तो प्रोन, दूसरी सुपाइन और तीसरी लिथोटोमी। एक तो आपको कौन सी याद रखनी है, प्रोन, दूसरी सुपाइन और तीसरी लिथोटोमी। इन तीनों की मैं बात पहले करूंगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोन पोजीशन की, प्रोन
पोजीशन, यानी एक पेशेंट को हम कौन कौन सी पोजीशन में लेटा सकते हैं, सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, और एक होती है बच्चों लिथोटमी, लिथोटमी पोजीशन। आपके हॉस्पिटल में पेशेंट आया बच्चों, पेशेंट आने के बाद डॉक्टर ने आपको कहा कि भाई इसे आप सुपाइन में लेटने के लिए बोलिए। अब सुपाइन का मतलब ही हमें नहीं पता तो कैसे, ठीक है ना। सुपाइन का मतलब उसे सीधा लेटाना है ऐसे। पेशेंट का अगर सर पूरा एंटीरियर भाग खुला हुआ है तो वो इसकी पोजीशन हो जाएगी बच्चों सुपाइन, ठीक है। अब अगर पेशेंट को उल्टा लेटा देते हो आप, उसका जो एंटीरियर पोर्शन है वो बिल्कुल नीचे की तरफ है, ठीक है, उसका बैक पोर्शन ऊपर की तरफ है, उल्टा अगर ऐसे लेट रहा है पेशेंट तो वो प्रोन पोजीशन हो गई, और ऐसे सीधा लेट रहा है तो वो दोस्तों कौन सी पोजीशन हो गई, सुपाइन। याद रखना सुपाइन पोजीशन का मतलब सीधे शब्दों में है, ठीक है ना, सुपाइन पोजीशन में जो है एंटीरियर, एंटीरियर, एंटीरियर पोर्शन किधर होगा, सामने की तरफ होगा बच्चों, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सीधा लेटा हुआ, अगर साधारण शब्दों में बोलूं, ठीक है ना, अगर कोई सीधा लेटा हुआ है तो वो आपकी जो पोजीशन है वो है सुपाइन, ठीक है। अगर कोई पेशेंट को आपने उल्टा लेटा दिया, ठीक है ना, तो इसका मतलब वो आपकी प्रोन पोजीशन है। प्रोन पोजीशन में क्या होगा बच्चों, उसका एंटीरियर पोर्शन नीचे होगा, बैक ऊपर की तरफ होगी, ठीक है ना। बैक, बैक का मतलब पोस्टीरियर, पोस्टीरियर जो है आप यूं कह सकते हो अपर, अपर साइड, ठीक है, ऊपर की तरफ पोस्टीरियर रीजन हो, ठीक है ना, तो वो आपकी प्रोन पोजीशन होगी, ठीक है। अब बच्चों एक एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, और आता ही है कि एक वुमन है और उसमें मेरे दोस्तों प्रेगनेंसी पीरियड चल रहे हैं, और अब प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज में बच्चों अभी पार्शुरेशन होने वाला है, यानी प्रसव होने वाला है, तो प्रसव के समय एक माँ को, एक मदर को मेरे दोस्तों किस प्रकार की पोजीशन में रखा जाता है। याद रखना उस मदर को लिथोटोमी पोजीशन में रखा जाता है। लिथोटोमी पोजीशन एक मेरे दोस्तों प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी जो पीरियड होता है मेरे दोस्तों, और वो भी लास्ट टाइम जब क्या होता है, पार्शुरेशन होता है, पार्शुरेशन यानी प्रसव के दौरान मेरे दोस्तों यह पोजीशन अप्लाई की जाती है। कब? प्रसव के दौरान, ठीक है ना मेरे दोस्तों, याद रखना दिस पोजीशन अप्लाई ड्यूरिंग पार्शुरेशन, याद रख लोगे ना, बिल्कुल जी बिल्कुल। यह वो पोजीशन है जिसमें मेरे दोस्तों दोनों पैर को फैला दिया जाता है, ठीक है, और सीधा लेट लिया जाता है। किस तरह से, वैसे वुमन की पोजीशन जो है बच्चों वो सुपाइन होगी, बट उसके दोनों जो फुट हैं, जो लोअर लिंब है मेरे दोस्तों, उन्हें जो है इस प्रकार से जो है किया जाएगा। आपके सामने है मेरे दोस्तों एक मदर, एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है, ठीक है ना, तो उसकी जो फुट की जो पोजीशन है वो कुछ इस प्रकार की रहेगी मेरे दोस्तों, ठीक है। बाकी जो ये बॉडी है यहां से लेकर के यहां तक, ये बॉडी सुपाइन है। ये बॉडी किस पोजीशन में है? सुपाइन पोजीशन में है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों, बॉडी सुपाइन पोजीशन में है। तो इस तरह की जो पोजीशन है मेरे दोस्तों, जिसे हम लिथोटोमी पोजीशन बोलते हैं, लिथोटोमी पोजीशन पार्शुरेशन के दौरान अप्लाई की जाती है। याद रख लोगे, एक मदर जब अपने बेबी को जन्म दे रही होती है तो लिथोटोमी पोजीशन अप्लाई की जाती है। एग्जाम में कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा फिगर बनाया हुआ होता है और पूछते हैं कि भाई इस पोजीशन का नाम बताइए, तो यह लिथोटोमी पोजीशन है। और कई बार इस पोजीशन के बारे में आपसे पूछ भी लिया जाता है, एक्सप्लेन कीजिए यह पोजीशन कब यूज में ली जाती है। ओके, अब देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको कुछ जो है टर्मिनोलॉजी भी बताई कि भाई आईसीयू का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिव केयर यूनिट, एनआईसीयू का मतलब क्या हुआ, ठीक है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है ना। एक बच्चा जिसका जन्म हुआ और बहुत ज्यादा सीरियस है, उसे ब्रीदिंग इश्यू है, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें जो है, या वो पूरी तरह से मैच्योर अभी नहीं हुआ है, तो ऐसी केस में उस बच्चे को कहां पे एडमिट करते हैं हम लोग, एनआईसीयू में। और एक पेशेंट है, ठीक है, उसकी एज 30-40 ईयर है मेरे दोस्तों, ठीक है, और उसे भी बहुत ज्यादा सीरियस इश्यू है, तो उसे कहां पे एडमिट करते हैं हम लोग, आईसीयू में। सर्जरी जहां पे होती है बच्चों उसे बोलते हैं क्या, ऑपरेशन थिएटर, ओटी, क्या बोलते हैं, ओटी, ठीक है कि नहीं है बच्चों, बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक, ओके। और अगर कहीं पे एक पेशेंट को नॉर्मली एडमिट किया गया है कुछ दिन के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस इश्यू नहीं है, तो वो जो वार्ड है मेरे दोस्तों उसे अपन आईपीडी बोलते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल जी बिल्कुल। ये चीजें भी हमने पढ़ी। एक मैंने आपको अभी बताया टी पी आर,
टीपीआर का मतलब आप सब जानते हैं, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर मैंने बीपी की भी बात की, तो हमेशा दोस्तों एक पेशेंट का जब रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना, एक जो नर्सिंग स्टाफ होती है एएनएम या जो जीएनएम होते हैं बच्चों, क्योंकि बीएससी नर्सिंग वाले नर्सिंग ऑफिसर होते हैं मोस्टली, ठीक है ना, उनकी देख रेख में सारी चीज़ें होती है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो वैसे बीएससी नर्सिंग वाले भी वार्ड में काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कुछ हद तक जितना मेरे दोस्तों एक जो एएनएम होती है उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम। तो देखिएगा, तो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर यानी बीपी, जब भी बच्चों आप स्टार्टिंग में काम सीखने के लिए जाओगे ना, तो आपको स्टार्टिंग में ये चार चीज़ें ही सिखाई जाएगी, ठीक है ना, ये चार चीज़ें स्टार्टिंग में आपको सिखाई जाएगी, ठीक है ना। यहाँ तक कि आपको बेड मेकिंग भी सिखाई जाती है, बेड सीड किस तरह से बिछाते हैं मेरे दोस्तों, उसका भी एक जो उसके मेकिंग का एक पैटर्न होता है बच्चों, एक नर्सिंग कर्मी को यह भी मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। टेम्परेचर कैसे लेते हैं, पल्स कैसे लेते हैं, रेस्पिरेशन कैसे लेते हैं, यह भी मालूम होना चाहिए। जैसे आपके पास में दोस्तों जो है थर्मामीटर है, ठीक है ना, अब वो थर्मामीटर एक छोटा बच्चा है, ठीक है ना, और उसकी एज है मेरे दोस्तों 3 से लेकर के 5 ईयर, ठीक है ना, और उसे हाई फीवर है। अब आपको रिकॉर्ड करना है, तो वो थर्मामीटर दो जगह मेरे दोस्तों टेम्परेचर जो है नोट कर सकता है, ठीक है, या तो आप उसे टंग के नीचे, जीभ के नीचे पेशेंट के रख के और आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, और या उसके मेरे दोस्तों बगल वाले भाग में रख करके टेम्परेचर मेजर करते हो। तो एक छोटा बच्चा है तो आप उसके मुँह में रखोगे टेम्परेचर को, थर्मामीटर को, कि मेरे दोस्तों जो कहीं और बताइए, उसके ओरल में दिया जाता है क्या उसे? बिल्कुल भी नहीं, वो बच्चा चबा जाएगा, वो सोचेगा मुझे मेरे कोई खाने की चीज़ है, और इससे पूरा का पूरा उसके अंदर पारा होता है, वो बच्चे के मरकरी जो है सीधा इंटेस्टाइन में चला जाएगा। इसलिए एक छोटे बच्चे का जब भी मेरे दोस्तों टेम्परेचर लिया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। तो ये चीज़ें सारी आप समझोगे मेरे दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मैंने जो चीज़ें बच्चों आपको पढ़ाई है सब कुछ अच्छी तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। अभी तो बच्चों आज केवल और केवल हमने क्या देखा है, केवल और केवल मेरे दोस्तों एक इंट्रोडक्शन देखा है। देखिएगा, मैंने बॉडी प्लान के बारे में भी आपको बताया, जैसे कि यह बॉडी प्लान है, आप बॉडी को इस तरह से काट रहे हो, ऐसे काट रहे हो तो बिल्कुल ये एंटीरियर भाग आ गया सामने की तरफ, और पीछे की तरफ क्या होगा, पोस्टीरियर वाला रीजन होगा, तो इसे बोलते हैं हम लोग फ्रंटल या कोरोनल प्लेन। ये आपका सेजाइटल प्लेन है, इसमें बॉडी इधर कट के चली गई, ये राइट हो गया, इधर कट के आ गई, ये लेफ्ट पोर्शन हो गया, और बिल्कुल आपने मिड लाइन से बॉडी को काटा है, इसलिए इसको हम मीडियन प्लेन भी बोलते हैं। ओके, बिल्कुल। अब यहाँ पे बॉडी को आप ऐसे ट्रांसवर्स काट रहे हो, इसलिए सुपीरियर और इन्फीरियर दो भागों में बॉडी टूट गई है, ठीक है ना, इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं बच्चों। ओके, बिल्कुल, ये चीज़ें आपको बच्चों याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिएगा, हाँ, तो ये मैंने आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पढ़ा दिया है, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एटम हो गया, मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेल्स, सेल, टिश्यूज, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करूँ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की, तो आपके सिलेबस में वास्तव में बीएससी नर्सिंग में कौन कौन सी चीज़ें, देखो आपको बच्चों यहाँ पे सेल भी पढ़ना है और सेल डिवीज़न भी पढ़ना है, ठीक है, तो आप सेल और सेल डिवीज़न के बारे में भी पढ़ोगे। इसके अलावा बच्चों सेल ऑर्गन के बारे में भी आप पढ़ोगे, ये भी आपका टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे हम इम्यूनिटी के बारे में भी पढ़ेंगे, है कि नहीं, यहाँ पे हम जेनेटिक के बारे में भी बच्चों लर्न करेंगे। इसके अलावा बच्चों हम बॉडी के जितने भी टिश्यूज है उनकी बात करेंगे, और इसके अलावा बच्चों सिस्टम, जितने भी सिस्टम है वो सारे सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से सिस्टम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों हम, डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ने वाले हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो बच्चों, इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, इसके अलावा नर्वस सिस्टम हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है कि नहीं है। तो ये सारे के सारे सिस्टम बच्चों जितने भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे सिलेबस में है, हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हमारे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में है, और हम उसे बहुत खूब अच्छी तरह से पढ़ेंगे बच्चों। मैं भी कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा, और बाकी अपने जो मेन एक फैकल्टी हैं, जेडी सर हैं, वो भी आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे प्यारे साथियों, विजय एजुकेशन में जितने भी स्टाफ बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ाएंगे, वो सभी मेरे दोस्तों नॉरसेट जैसे बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आज एम्स के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और एम्स में नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पर मेरे दोस्तों कार्यरत है, जिनका पर मंथ सैलरी 6 डिजिट में है,
1,00,000 रुपए से ऊपर है और भी हमारे इन सर की तरह बन सकते हो बच्चों। बीएससी ना मेरे दोस्तों, ये मैं आज विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, अगर आप मन लगा के आज से पढ़ना शुरू कर दो मेरे लाडलो, तो ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आगे नॉर सेट में आती है, ये जिपमेर, बीएचयू, पीजीआई, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के जो एग्जाम होते हैं, केवल एम्स ही एक हॉस्पिटल नहीं है जहां पर नौकरियां निकलती है। एम्स के अलावा भी बच्चों ऐसे सैकड़ों हॉस्पिटल है सेंट्रल गवर्नमेंट के, जहां लाखों रुपए प्रति महीना पेमेंट मिलता है बच्चों, ठीक है ना। तो आप प्रत्येक फील्ड में जा सकते हो, अपने करियर को बहुत बेहतरीन बना सकते हो। मैं तो बच्चों आपको शुभकामना ही प्रेषित करूंगा कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें, अपने सपनों को पूरा करें, और इसके लिए मेरे दोस्तों आप विजय एजुकेशन के साथ हमेशा जुड़े रहना। मैं ये भी भरोसा दिलाता हूं बच्चों, अगर आप इस विजय एजुकेशन से जुड़ते हैं तो अगले 4 साल बाद आप एक बहुत बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में नौकरी में रहेंगे, नर्सिंग ऑफिसर के पद पर रहेंगे, ये मैं भरोसा ला सकता हूं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल जिन भी बच्चों ने विजय एजुकेशन का बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का ऑनलाइन बैच अभी तक नहीं लिया है, वो तुरंत आज ही विजय एजुकेशन के ऑनलाइन बैच से जुड़ जाएं मेरे दोस्तों, अभी से आप इस बैच से जुड़ जाएं, और बहुत ही जल्द आपको सभी जितनी भी क्लासेज है बच्चों उनका पैटर्न आपको मिल जाएगा। आपको पता है बच्चों 1,00,000 रुपए तक आज के समय में बीएससी नर्सिंग की फीस लगती है फर्स्ट ईयर की, और वो कोर्स आपको केवल 990 रुपए में हम दे रहे हैं, मतलब 1 महीने का 100 रुपए से भी कम खर्चा आपका मेरे दोस्तों आने वाला है। इतने कम फीस में आपको बीएससी नर्सिंग का पूरा ऑनलाइन बैच, और वो भी एक सेलेक्टिव टीम, एक नॉर सेट जैसे एग्जाम को 9 बार क्वालिफाई कर चुकी टीम जो एम्स के बच्चों को पढ़ाती है, ठीक है। हर एक बच्चे का सपना होता है कि वो एम्स के अंदर जाकर के बीएससी नर्सिंग करें, तो एम्स की फैकल्टी आपको यहां पढ़ाएगी। भले ही आप प्राइवेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, लेकिन बच्चों जो आपको टीम विजय एजुकेशन पर पढ़ाएगी वो खुद एम्स सेलेक्टेड है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, और इस कोर्स में जुड़ने के लिए तुरंत कॉल करें, नंबर आपके सामने है, वंदे मातरम।